मेरा और मेरा भाई का रूम है, तो कुछ इस तरीके का सीनियर रूम इसको है। पूछो। यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक बेड, और यहाँ पे एक फ्रिज, और बाकी एक टेबल है। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे आप सबको पता है, मैं सा रहता हूँ सऊदी अरबिया में। तो अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पे रहता हूँ वो जगह आपको दिखाता हूँ, वो कैंप कैसा है, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊँगा। मेरे तो स्टे ट्यून और देखते रहिए। तो ये है कैंप का मेन गेट, और इसके साइड में आप देख पा रहे होंगे कुछ खजूर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके बेचने के लिए बैठे हुए हैं। और ये आपका सिक्योरिटी बैठ रहा है इधर, और राइट साइड में भी रूम है, और लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे रूम्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज़, ये है नोटिस बोर्ड, यहाँ पे कंपनी का कौन सा प्लांट में ड्यूटी लगा है इस बंदा का, वो लोग सुबह उठ के देखते हैं, फिर उसके हिसाब से ड्यूटी जाते हैं। तो ये है कैंप का मस्जिद, खास करके जुम्मा और डेली नमाज़ पढ़ाया जाता है इधर। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मस्जिद है, कुछ 200 तक लोगों का, 200 के हिसाब से पढ़ सकते हैं, बाकी जुम्मे के टाइम में बाहर भीड़ हो जाती है। ये बकाला जल गया था कुछ दिन पहले ही, आप देख सकते हैं सामने। तो अभी मैं मेस की तरफ लेके जा रहा हूँ, मेस दिखाऊंगा। तो ये हम जा रहे हैं मेस के अंदर। अभी फिलहाल लोग, आप देख रहे होंगे शाम का 4 बज रहा है, लेकिन लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग नाइट शिफ्ट करने जाएंगे 6 बजे। कुछ इस तरीके का मेस दिखता है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं, खाना ले रहे हैं, कोई कोई रूम पे लेके जा रहे हैं, कोई कोई बाहर खा रहे हैं, बाहर मतलब। तो गाइज अभी आपने मेस हॉल देखा, मस्जिद देखा, और कैंप का एंट्रेंस भी देखे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जूनियर लोग का रूम, तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब, ये कुछ इस तरीके का कैंप है, और यहाँ पे ऐसे आप जैसे देख रहे हैं एक स्ट्रीट है, ऐसे टोटल 6 स्ट्रीट है, और वहाँ पे पूरा बंदा लोग रहते हैं। तो चलिए मैं किसी बंधु भाई का रूम में जाता हूँ और जाके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का रूम रहता है सऊदी में, 6-6 बंदा रहने का। ये डबल बेड है, एक यहाँ पे नीचे और ऊपर। हालांकि हमारा कंपनी अच्छा है, इसीलिए सिर्फ 3 बंदा 4 बंदा ऐसा करके रह रहा है। देखो, फ्रिज भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसा कुछ रहता है रूम यहाँ का। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड में रूम है। ये एक नंबर स्ट्रीट पे हम लोग जा रहे हैं, तो कुछ स्ट्रीट नंबर के साथ रूम नंबर लिखा हुआ है। तो 4-4 बंदा करके रह रहे हैं, लोग कैसे कपड़ा सुखाएं आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज, ये एरिया में जितना भी रूम आप देखें, ये जूनियर लोग का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट में रोड है, और ये साइड में सीनियर है। तो चलिए चलते हैं सीनियर रूम पे। तो ये सीनियर का रूम है, ये रूम का नंबर है, ये एक रूम है डबल। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये मेरा और मेरा भाई का रूम है, तो कुछ इस तरीके का सीनियर रूम है। यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक बेड, और यहाँ पे एक फ्रिज, और बाकी एक टेबल है। अभी मैं पूछूंगा मेरा भाई को, वो कितना दिन से आके इधर रह रहे हैं और कैसा लग रहा है सऊदी में। तो चलिए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं मुनीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और क्या हाल है? ठीक है, तो चलिए आपके बारे में बताइए, आपको कितना साल हुआ सऊदी में? मेरा सऊदी में 4 साल हो गया। 4 साल हो गया? 4 साल हो गया। और कैसा लग रहा है सऊदी में? अच्छा लग रहा है। और घर का याद नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, जाएगा ना इंशाल्लाह रमजान के बाद में। रमजान के बाद जाइए, शादी करिए। इंशाल्लाह जाएगा, आप भी जाओ शादी करो जाके। करेंगे करेंगे, मेरा थोड़ा यूट्यूब सक्सेस हो जाए उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए कभी हम लोग खाना खाना बनाएंगे इधर, फिर बनाएंगे अच्छा वाला ब्लॉग। ओके इंशाल्लाह, शुक्रिया। तो गाइस अभी यहाँ पे कुछ खेती वगैरह भी कर रहे हैं, मतलब खेती मतलब कुछ वेजिटेबल्स का पौधा लगाए, तो चलिए वो देखते हैं। तो गाइस ये सीनियर का रूम कुछ इस तरीके का है। दो रूम है, एक तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरा ये वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। Thank you.